तहसील फरीदपुर बचे हुए हैं, जहां जो है गुरुद्वारा से निकल करके जो है किसानों की जो है भारी रैली दिल्ली को प्रस्थान कर चुकी है। ये दिल्ली जाकर के जो है किसानों के लिए, किसानों की हक की लड़ाई के लिए ये प्रस्थान कर रही है, और वहाँ पर जो है होली मनाने का विचार किसानों का वहीं है। ये सभी किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए यूपीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं। ये सभी ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए ये जो हैं पहुँचेंगे। इनका कहना है कि अब हम होली वहीं मौके पर ही मनाएंगे जहां हमारी देश हित में जंग है, जंग चल रही है किसानों के हित के लिए, जहां पर जो है सरकार द्वारा काले कारनामों को वापस लेने के लिए ये लड़ाई जारी है। ये लड़ाई जो है 6 मार्च से सभी किसानों की जो है जारी है, जो कि जो है बॉर्डर पहुँच करके श्री टिकैत के साथ ये समुदाय में शामिल होंगे, जहां पर जो है ये लड़ाई किसानों के हित के लिए लड़ेंगे। इनको प्रदेश सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो यूपी सरकार है उनका कहना है कि यूपी सरकार आगे आने वाले समय में भारी महंगाई के चलते जो है रोकने के लिए लड़ाई की जा रही है, किसानों के हितों के लिए लड़ाई। ये हरिपुर जो है ये यात्रा जो है कहाँ से कहाँ जा रही है, प्रस्थान कर रही है, और इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है किसान संगठन, किसान अपनी मांग है, काले कानून है वो वापस करे सरकार, अगर वापस नहीं कर रही तो हमारा आंदोलन जो है 2024 तक चलता रहेगा। 24 तक हम अपना कानून वापस कराएंगे, तब लौटेंगे दिल्ली से। अब हम लोग जा रहे हैं होली वही मनाएंगे। अच्छा अच्छा। और आज की गुरुद्वारे यात्रा चली है और बहेड़ी यात्रा हमारी रात को विश्राम होगा, फिर वहाँ से फिर दूसरे दिन चलेंगे। 27 तारीख को
हमें दिल्ली पहुंचना है, 27 तारीख को दिल्ली पहुंचना है। जी जी, अपनी मांगों को लेकर। अपने मांगों को लेकर तो ये यात्रा का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? आज 6 मार्च को हमारा निकला, 6 मार्च है नखलाऊ से आगे से हमारा काफिला आ रहा है। जी जी जी, अब ये काफिला में बढ़ते रहते हैं, घटते रहे, अब बढ़ते बढ़ते 27 तारीख को गाजीपुर बॉर्डर पर हमारा धरना जो है चल रहा है। वहीं हम लोग जो है होली वहीं में काले कानून वापस करा के वापस आ रहे हैं। क्या आपको लगता है सरकार आपकी बात मानेगी? नहीं, बिल्कुल माननी पड़ेगी साहब, पूरी विश्वास है। अरे पूरा जनता के ऊपर शासन है जी, अगर हम जनता के लोग सरकार बनाते हैं, अब जब हम नहीं बनाएंगे तो सरकार कैसे बन जाएगी? जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आप डटे रहेंगे? हाँ, 24 तक डटेंगे, कानून वापसी नहीं, घर वापसी। जी जी हाँ, घर वापस नहीं आएंगे। अब होली हम वही लोग मनाएंगे। ठीक, हाँ, कितने काफिले में वाहन शामिल होंगे? ट्रैक्टर तो हमारे बढ़ रहे हैं अभी, सैकड़ों ट्रैक्टर तो हमारे, कम से कम 1000 ट्रैक्टर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, 1000 आगे और भट्टा मिलेंगे, बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, बहड़ी मिलेंगे, रामपुर मिलेंगे, बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ जो है आप गुरुद्वारा में रुके थी अपनी यात्रा जो है, ये कब आई थी गुरुद्वारा में? शाम को रुके गुरुद्वारा, कल शाम को। और सुबह यहाँ से प्रस्थान कितने बजे हुआ है? सुबह हम निकले फरीदपुर से कस्बा में, कस्बा से ढकनीवार रोड पर बाईपास से कुआडाड़ा होते हुए फिर बताया जाएंगे। कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्र के सभी किसानों को लेके चल रहे हैं? हाँ, सभी लेके जा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। रामराज मेरठ से शुरू हुई है, क्योंकि मेरठ से ही आजादी की लड़ाई शुरू हुई, और यह हमारा मेरठ से रामराज से इस यात्रा को शुरू करने का यही मकसद है कि जो हमारा देश हमारे बुजुर्गों ने बहुत मेहनत से आज़ाद करवाया था, हम उस आज़ादी को बरकरार रखें, क्योंकि हमारी जो सरकार है बीजेपी की, यह हमारे देश को दोबारा से फिर गुलाम करने के चक्कर में, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसी लाइन पे ही यह अडानी अबानी को हर कारोबार बेचा जा रहा है, जिससे हमें खतरा है कि यह हमारा देश जो दोबारा गुलामी की तरफ ना जाए। यह जो हमारी यात्रा है, जागृत यात्रा है, यह हर जन को जागृत करने का हमारा एक वो है, जिससे कि हर जो जन है वो जागृत हो और हम गुलामी से बच सकें, इस आज़ादी को बरकरार रखें। और यह यात्रा जब तक हमारे ये काले कानून इसलिए हैं, इसमें जो भंडारण का कानून है, जब वो पूरा अपनी लाइन में आ जाएगा तो जो आटा है वो हमें संदेश है कि 100 रुपये किलो आटा, 250 रुपये किलो तेल और 500 रुपये किलो दाल होने का पूरा अंदेशा है, और बहुत ज़्यादा जब कोई भी चीज़ का ज़्यादा भंडारण हो जाए तो वो चीज़ महंगी होती है। अडानी ग्रुप ने आज से 2-3 साल पहले ही 40 लाख मैट्रिक टन के भंडारण बना लिए हैं, और ये हमारे देश की 2 साल की फसल भंडार कर सकते हैं, जिससे हमारा देश बहुत ही पीछे चला जाएगा। और आपके सामने ये बहुत पीछे चला गया है, रेलवे बिक गई है, LIC बिक गई है, और हवाई पट्टियाँ बिक गई हैं, और हर चीज़ बेचने पे लगी हुई है, जैसे सेल वाले दुकान के बाहर सेल लगा, वो हमारे प्रधानमंत्री का काम है। हमें चाहिए कि एक आदमी वो देखे, हम वो मुख्य प्रधानमंत्री बनाए जो हमारे देशभक्त हो, और जब ये इनको देशभक्ति नहीं, इनको सिर्फ अपनी भक्ति, अपने चंद आदमियों की भक्ति दिखाई दे रही है, देशभक्ति हमें इनमें से दिखाई नहीं दे रही है। जी जी, किसानों का दुख दिखाई नहीं दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। आपके सामने 5 लाख किसान आज दिल्ली के बॉर्डर पर बना हुआ है, तो भूखा प्यासा ठंड में गर्मी में वहीं पर है और डटा रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, क्योंकि हमारा देश एक बहुत ही बड़ा राज, एक लोकतांत्रिक देश है, और हमें पूरा खतरा है कि ये हमारे लोकतंत्र को खत्म कर देंगे इसी तरह से चलते हैं। तो इसी को बचाने के प्रयास में आपकी यात्रा जो है सफलता के लिए। जी हाँ, ठीक है, थैंक यू।